बुराड़ी क्षेत्र में पेड़ काटने के मामले में परिवहन विभाग पर करोड़ों रुपए का जुर्माना। बुराड़ी में जाम, उड़ती धूल, पेड़ों के काटे जाने के कारण 18 अक्टूबर 2024 को पॉल्यूशन लेवल पूरी दिल्ली में टॉप पर। बुराड़ी क्रॉसिंग कर रहा इंडस्ट्रियल एरिया में जहां फैक्ट्रियां चलती हैं, वहां से भी बुरा हाल। इस जुर्माने में 40 लाख नकद जुर्माना तो करीब 3 करोड़ की सिक्योरिटी भी की गई जब्त। स्थानीय निवासी व कांग्रेस नेता प्रमोद त्यागी इस मामले को लेकर पहुंचे थे एनजीटी। दरअसल 2019 में बुराड़ी में एक क्लस्टर बस डिपो निर्माण के लिए बुराड़ी अथॉरिटी की जमीन को उससे लिया गया और वहां खड़े पेड़ों को काटकर बस डिपो बनाया गया। उन पेड़ों का हिसाब पर्यावरण विभाग नहीं दे सका तो उन पर यह कार्रवाई की गई। प्रमोद त्यागी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत यहां बस डिपो बनाकर अथॉरिटी को खत्म करके ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अपने क्षेत्र में ले जा रहे हैं, जिससे उन्हें वहां वोटों का फायदा मिल सके। बुराड़ी अथॉरिटी से यहां के आसपास के हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है और नजदीक होने की वजह से इस क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा भी होता है। लेकिन जब यह अथॉरिटी नजफगढ़ से भी आगे दिल्ली के एक सिरे पर चली जाएगी तो इससे न बुराड़ी बल्कि दूसरे दिल्ली के ट्रांसपोर्टर्स को भी परेशानी होगी। बुराड़ी क्षेत्र में पेड़ काटे जा रहे हैं। बुराड़ी अथॉरिटी का कुछ कार्य पहले ही यहां से हटाकर वहां शिफ्ट कर दिया गया है, साथ ही कुछ और कार्य भी शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है, जिसका विरोध प्रमोद त्यागी ने किया है। आपको बता दें कि बस डिपो बढ़ाने के नाम पर कुछ और पेड़ काटे जाने की तैयारी चल रही है, जिन्हें बचाने के लिए प्रमोद त्यागी ने अभी से ही मुहिम शुरू कर दी है। प्रमोद त्यागी ने बताया कि 18 अक्टूबर 2024 को बुराड़ी क्रॉसिंग का पोल्यूशन लेवल दिल्ली में टॉप पर था। उस पोल्यूशन के मुख्य कारण है बुराड़ी में जाम का लगना, पेड़ों की कटाई, साथ ही अब और भी पेड़ काटने की तैयारी चल रही है। तो बुराड़ी की क्या हालत होगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। 2019 में मेरे संज्ञान में यह आया था कि दिल्ली सरकार ने इस क्षेत्र को, जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है और इसकी एक अशोक लेलैंड की भी कंपनी है यहाँ पे, तो यहाँ बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे और हजार से ज़्यादा बड़े पेड़ थे इसमें। इन्होंने क्या किया, कैलाश गहलोत जी ने एक तो इसको यहाँ से अपने यहाँ झुलझुली ले जाने के लिए, नजफगढ़ के पास झुलझुली है, अपने एरिया में ले जाने के लिए इसका उन्होंने प्रोग्राम बनाया। जब ये चीज़ हमारे संज्ञान में आई, क्योंकि इसमें बहुत लोग जो है हमारे बुराड़ी विधानसभा के लोग यहाँ जॉब करते हैं, प्राइवेट अथॉरिटी पे इससे संबंधित बहुत लोगों को एज ए वेंडर यहाँ पे काम मिला हुआ है। कोई अपने चाट पकौड़ी बेचता है, कोई फोटो स्टेट करता है, तो कई सौ लोग जो है हमारे बुराड़ी विधानसभा के, उनको यहाँ पे कई सौ या हजारों लोगों को जॉब मिला हुआ है। तो उन्होंने हमारे से किसी ने अप्रोच किया कि भाई इसको अथॉरिटी को हटा रहे हैं। तो मैंने जब इसकी अप्लीकेशन दी भाई क्यों हटा रहे हो, तो मैंने दिल्ली सरकार को बोला था कि भाई इसको आप वहाँ नजफगढ़ में दूसरी अथॉरिटी बना लीजिए, दूसरा ट्रेनिंग सेंटर बना लीजिए, आप इसे क्यों हटा रहे हैं, हमारे क्षेत्र को और आसपास के 10-20-30 किलोमीटर लोगों को फायदा होता है इससे। बुराड़ी विधानसभा जो है, बुराड़ी जाना जाता है इस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के नाम से, पूरे हिंदुस्तान में सब जानते हैं इसको, एक पहचान भी है बहुत बड़ी इसकी। तो इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे पेड़ काट दिए और क्लस्टर बस डिपो का यहाँ निर्माण कर दिया, जो कि प्राइवेट कंपनी को दिया हुआ है। उससे इनकी क्या मैनेजमेंट हुई है, क्या लेन देन हुआ है, ये तो वो जानते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर है, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन दी थी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को और इन्होंने उसमें कोई संज्ञान नहीं लिया। मैंने आरटीआई लगाई, सॉरी मैंने आरटीआई लगाई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, उसका रिक्वेस्ट करी है कि भाई यहाँ से मत हटाइए इसको अथॉरिटी को, ये ट्रेनिंग सेंटर को मत हटाइए यहाँ से। तो तब मुझे फिर वो एनजीटी में जाना पड़ा पेड़ काटने के ऊपर। इन्होंने पहले भी पेड़ काटे, इन्होंने कहा हमने पेड़ लगा दिए, पता नहीं कहाँ लगाए। इंक्वायरी करने पर पता चला कि पेड़ कहीं नहीं लगाए, और लगाए थे तो मर गए उसी समय। अभी जो एनजीटी ने इनको 5600-5650 पेड़ लगाने का आदेश किया है और अभी भी ये इधर उधर लगाएंगे। जब पोल्यूशन पेड़ हमारे यहाँ से कटे हैं बुराड़ी विधानसभा से, ऑक्सीजन का नुकसान हमारे यहाँ पर हुआ है, पोल्यूशन ज़्यादा इसकी वजह से हमारे यहाँ बढ़ा है, तो पेड़ भी यहीं लगने चाहिए। तो अभी इनका प्लानिंग हो रहा है कि करीब 2500-3000 पेड़ और काटने की मंशा है। तो एक मियायाकी एक कॉन्सेप्ट है जापान का, उसमें क्या करते हैं कि थोड़े से क्षेत्र में ही एरिया में बहुत सारे पेड़ों का वो लगाए जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन लेवल उस क्षेत्र का अच्छा रहता है। तो इसके इस कॉन्सेप्ट में भी यहाँ पेड़ लगे हुए थे अथॉरिटी में, लेकिन ये कैलाश गहलोत जी और संजीव झा जी, हमारे संजीव झा जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, तो वो भी इसको यहाँ इनसे इनकी मिली भगत है इनसे, संजीव झा की हमारे एमएलए की, जबकि उन्हें तो ये सोचना चाहिए कि बुराड़ी वालों ने तुम्हें 3-3 बार एमएलए बनाया विदाउट एनी रीजन, तुमने कुछ नहीं किया बुराड़ी विधानसभा के लिए और तुम्हें इसका बेड़ा गर्क कर दिया बुराड़ी विधानसभा का, इसके बावजूद भी आप इसको यहाँ से जाने क्यों जा रहे हैं, कई हजारों लोगों का, कई सौ लोगों का रोजगार क्यों छिनवा रहे हैं, क्यों पोल्यूशन बढ़वा रहे हैं यहाँ पे, क्यों एक सुविधा है बहुत से लोगों की बुराड़ी या आसपास के लोगों से क्यों छिनवाना चाह रहे हैं। तो मैंने इसी प्रिपरेशन पे एनजीटी में केस डाला,
तो एनजीटी ने इन पे 2,82,00,000 रुपए जुर्माना डाला और 40,18,000 का इनका जुर्माना किया, इनकी जो श्योरिटी बनी थी वो फॉरफिट कर ली। तो करीब करीब ये हो गया है करीब 3.25 करोड़ से ऊपर का दिल्ली सरकार पे डाला गया। ये जो 3.25 करोड़ रुपया है ये हमारा आपका जनता का पैसा है और इसको इन्होंने जनता के पैसे का जुर्माना देना पड़ा है इनको, दिल्ली सरकार को। हमारा आपका पैसा है, इससे कोई डेवलपमेंट हो सकता था हमारे यहाँ? पोल्यूशन अलग हट गया, उसमें पेड़ काट दिए। और आज का जो पोल्यूशन का सर्वे है, जो आप लोगों को मालूम होगा, दिल्ली में सबसे ज्यादा बुराड़ी चौक का है और इसका सर्व कारण ये बुराड़ी चौक के पास ही अथॉरिटी है। बिल्कुल, तो इसका कारण मैं ही यही समझता हूँ, दिल्ली में जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन है वो बुराड़ी अथॉरिटी की वजह से है, इसके जो पेड़ काटे गए हैं। और आगे भी इनकी 2,500-3,000 पेड़ों काटने की इनकी मंशा है और बुराड़ी अथॉरिटी को भी शिफ्ट कर रहे हैं धीरे धीरे यहाँ से, जो गाड़ी पासिंग होते उन्हें भी मना कर रहे हैं सारे। है 12 एकड़ लैंड थी, उसमें से 4 एकड़ जा चुकी है और 8 एकड़ बची है, उसे भी ये छीनने के चक्कर में, उसमें ये पेड़ काटने के चक्कर में है ये, और ये बार बार बाज नहीं आ रहे। इसमें 2-3 लोगों की बड़ी मिलीभगत है, जो हमारे संजीव झा, कैलाश गहलोत और मुख्यमंत्री, इन्होंने इनसे कोई डीलिंग हो रखी है क्लस्टर बस वालों से, उनके बहुत मोटा इनको शायद फंड वंड देने का जो मैंने सुना है कि भी इनको बड़ा मोटा फंडिंग कर रहे हैं वो, तो उस चक्कर में ये हमारे बुराड़ी क्षेत्र का नाश करने पे तुले हैं। और मैं तो स्पेशली संजीव झा को कहना चाहूंगा, वो तो आप तो विधायक है, आप तो इतना अन्याय मत करिए, जब रक्षक ही भक्षक हो जाएगा तो फिर क्या, कहाँ जाएंगे हम? देखिए, मैंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, इसके विजिलेंस में और मंत्री को, सबको शिकायत करी, सबको इनको सजेशन दिया, सुझाव दिया, प्रार्थना करी, जब ये नहीं माने तो मुझे एनजीटी में जाना पड़ा। और एनजीटी तो आप जानते ही हो, एनजीटी ने इन पर जुर्माना लगाया है, अभी भी इनको शायद होश आएगा नहीं आएगा। तो मैं कहता हूँ, अगर इन्होंने 5,650 पेड़ लगाने की बात की है तो उसे बुराड़ी विधानसभा में ही, इसके आसपास ही लगाया जाए और ये क्लस्टर बस को कहीं दूर से भेजा जाए जहाँ खाली जगह है, और यहाँ पे पुनः वृक्षारोपण करके और इस क्षेत्र को ट्रांसपोर्ट अथ यहाँ रखी जाए, यहाँ हजारों लोगों का रोजगार बढ़ाई। पेड़ काटने की तैयारी चल रही है, उसको कैसे बचाएंगे आप लोग, क्या संघर्ष? हम लोग आपके लोग, आप लोगों के माध्यम से भी कर रहे हैं और हम इसको फिर दोबारा भी विजिलेंस में शिकायत करेंगे, दिल्ली सरकार को भी, एलजी साहब को भी कर रहे हैं हम इसका, और हम एनजीटी में भी अप्रिहेंशन का डाल रहे हैं कि भाई ये और पेड़ काटने की फिराक में है अभी। प्रमोद जी, जब यहाँ डिपो बनेगा, बसें बढ़ेगी और पेड़ कटेंगे, पोल्यूशन और जाम दोनों बढ़ेंगे, क्या लगता है आपको, क्या स्थिति होगी? देखिए, हमारे यहाँ जो पोल्यूशन है ना ज्यादा, उसका मुख्य कारण एक तो मैंने बताया पेड़ कटना है, पेड़ों काटना, और उससे भी बड़ा जो कारण है वो है जाम का। हमारे यहाँ जो विधायक संजीव झा, इसने इसको दिल्ली की 70 विधानसभा में सबसे पिछड़ी, सबसे बेगैरत विधानसभा बना दिया है, जबकि हमारी बुराड़ी विधानसभा जो है यमुना किनारे है, ये ऑटो रिंग रोड से जुड़ी हुई है, हरियाणा जाने के लिए वहां से जुड़ी है, इतनी अच्छी विधानसभा है, आगे देहात का एरिया है सारा, आगे हरियाणा है, यमुना है, तो यहाँ तो पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पोल्यूशन के हिसाब से बेहतरीन होना चाहिए, लेकिन यहीं सबसे ज्यादा पोल्यूशन है। और इसका सारा मैं दोष देता हूँ संजीव झा को, जो अपनी विधानसभा के बचाने के वजह से के बजाय उसको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, कैलाश गहलोत के साथ मिले हैं और जो क्लस्टर बस है उनके साथ में इन्होंने समझौता किया है, उनसे मैनेजमेंट किया है, उनसे इनका फंडिंग वंडिंग जो भी कुछ है वो, जो मैंने सुना है कि कुछ ना कुछ तो मामला बड़ा जरूर है। देखिए, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि इसमें अगर ये नहीं मानते हैं तो 4 महीने बाद जनवरी में चुनाव है, जनवरी फरवरी में, और उसमें इस बात को आप भी सब जानते हैं कि दिल्ली में इस बार कांग्रेस सरकार आ रही है, तो इसी नौटंकी जो है, एक घोटालेबाज, एक जुमलेबाज, इनसे 2 गाजी जा चुके हैं, दिल्ली में दोनों की सरकार चल रही है। हमारी कांग्रेस सरकार आएगी तो मैं आपसे वादा करता हूं कि हम इसमें दोबारा से इसको हरित करेंगे और ये क्लस्टर डिपो को हटाएंगे यहाँ से, इसे की ओरशिप करेंगे, अथॉरिटी का काम चलेगा, बेरोजगारी जो क्षेत्र के लोगों की बनी है उसे नहीं जाने देंगे और अब हम कुछ नहीं हटने देंगे। अभी भी हम इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और जहां तक हमें उम्मीद है, नहीं मानेंगे, हमें फिर कोर्ट जाना पड़ेगा, हम इसको रोकेंगे।